हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहां से आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल जब हमने 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिया गया था। तब से पहले हम वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, और ये जो करंट अफेयर है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपका टेस्ट कौन सा था। तो आपका टेस्ट था कि SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है SS देसवाल। SS देसवाल को SSB का महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही मैं आपको SSB की फुल फॉर्म बतानी थी, तो SSB की फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। और साथ ही में जो रजनीकांत मिश्रा हैं, इन्हें BSF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी आपके इस टेस्ट में। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका है A ऑप्शन, और इस क्वेश्चन का आंसर काफी स्टूडेंट ने सही दिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे आज के यानी कि 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। उससे पहले आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर प्रिपेयर होते हैं। आज का सबसे पहला करंट अफेयर है, IMF ने किस भारतीय को अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। तो उनका नाम है गीता गोपीनाथ। IMF ने गीता गोपीनाथ को अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। और आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि जो गीता गोपीनाथ हैं, ये दूसरी भारतीय हैं जिन्हें IMF में मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। और अगर गीता गोपीनाथ दूसरी भारतीय हैं तो आपको पता चाहिए पहले वो कौन से भारतीय थे जिन्हें IMF में मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया था। तो उनके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, उनका नाम है रघुराम राजन। रघुराम राजन जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये पहले भारतीय थे जिन्हें IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और देखिए, अगर अभी गीता गोपीनाथ को IMF के मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है तो इनसे पहले कौन थे उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो गीता गोपीनाथ से पहले जो IMF के अर्थशास्त्री थे, मुख्य अर्थशास्त्री, उनका नाम था मोरी ऑब्सफेड। और देखिए, गीता गोपीनाथ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनकी आर्थिक सलाहकार भी हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप IMF के बारे में नोट कर लीजिए। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है, US की जो कैपिटल है वाशिंगटन वहां पर। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अब यहाँ पर नाम आया है केरल का, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें केरल के बारे में भी याद रखनी होंगी, क्योंकि जो गीता गोपीनाथ है ये केरल की मुख्यमंत्री की सलाहकार हैं। तो देखिए, ये जो मार्क्ड एरिया है यहाँ पर है केरल, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और केरल के चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनाराई विजयन, और केरल के जो प्रेजिडेंट गवर्नर है उनका नाम है पालानी स्वामी सत्यशिवम। और केरल के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 20 और राज्यसभा की सीटें हैं 9। नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का, किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो उनका नाम है मुश्ताक अहमद, जिन्हें हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और मुश्ताक अहमद से पहले जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे उनका नाम था राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह की जगह पर अब मुश्ताक अहमद को चुना गया है। और देखिए, जो राजेंद्र सिंह है उन्हें अब प्रेजेंट में हॉकी इंडिया के महासचिव बना दिया गया है। और इसी के साथ साथ हॉकी इंडिया में कुछ और लोगों की नियुक्ति हुई है, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो जो तपन कुमार दास हैं उन्हें हॉकी इंडिया का कोषाध्यक्ष बनाया गया है, और जो असुंता लकरा हैं उन्हें संयुक्त सचिव बनाया गया है हॉकी इंडिया का। अंशुता लकरा और फिरोज अंसारी को संयुक्त सचिव बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आपको हॉकी इंडिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि जो हॉकी इंडिया की मैन टीम है और जो वुमेन टीम है उसके कोच कौन है। तो हॉकी इंडिया की मैन टीम के कोच हैं हरेंद्र सिंह, और जो हॉकी इंडिया की वुमेन टीम है उसके कोच का नाम है सजोड मैरिजनी। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी इस करंट अफेयर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, तीसरे युवा ओलंपिक खेलों के लिए
भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो उनका नाम है मनु भाकर, जिन्हें हाल ही में जो तीसरा युवा ओलंपिक खेल शुरू होने वाला है उसमें भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। और ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है ये है मनु भाकर। और अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें मनु भाकर के बारे में पता होनी चाहिए। ये एक पिस्टल शूटर हैं और इन्होंने हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2018 जो हुआ था उसमें इन्होंने दो गोल्ड मेडल जीते थे। और इससे पहले जो राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 में हुए हैं उसमें इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। और अब आपको इस चैंपियनशिप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें नोट करनी होंगी। युवा ओलंपिक खेल, ये जो चैंपियनशिप ये 6 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। और कहाँ पर आयोजित की जाएंगी? तो ये ब्यूनस आयर्स में आयोजित की जाएंगी। ब्यूनस आयर्स कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना की कैपिटल है, वहां पर आयोजित किया जाएगा इसे। और देखिए इस चैंपियनशिप में 206 देश भाग लेंगे। अब यहाँ पर नाम आया है खेलों का, तो आपके हमारे खेल मंत्री का नाम पता होना चाहिए। तो हमारे जो प्रेजेंट में खेल मंत्री हैं उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चैंपियनशिप अर्जेंटीनिया के ब्यूनस आयर्स में आयोजित की जाएगी, तो अर्जेंटीनिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए ये जो रेड कलर का मार्क डेरी है यहाँ पर है अर्जेंटीनिया। अर्जेंटीनिया की कैपिटल आपको पता ही लगी, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीनिया की करेंसी है पैसो। अर्जेंटीनिया के प्रेसिडेंट का नाम है मोरिसियो मैक्री। और जो अर्जेंटीनिया के वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है गैब्रिला मिचटी। ये इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी अर्जेंटीनिया के बारे में। अगला करंट अफेयर है आज का कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2018 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो जो हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2018 आयोजित किया गया था उसमें हमारे भारत ने 3 मेडल जीते हैं। और इन 3 मेडलों में से हमारे भारत ने एक सिल्वर मेडल जीता है और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और देखिए इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर आया है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने इस चैंपियनशिप में 5 मेडल जीते हैं, जिसमें से दक्षिण कोरिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा है तुर्की। और तुर्की ने इस चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से तुर्की ने 1 गोल्ड मेडल जीता है और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। और अब आपको पता होना चाहिए कि जो 2018 में तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन तुर्की में हुआ था। तुर्की के अंदर एक सिटी है सैमसन, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और ये चैंपियनशिप 29 और 30 सितंबर तक हुई थी। अब देखिए ये चैंपियनशिप तुर्की में आयोजित हुई थी, तो तुर्की के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मार्क एरिया है यहाँ पर है तुर्की। तुर्की की कैपिटल है अंकारा। तुर्की की करेंसी है तुर्किश लीरा। और तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रेसिप ताइप एडोरगन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किसने 1 अक्टूबर 2018 को पहला स्वच्छता मेला आयोजित किया था? तो उस कॉलेज का नाम है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि एम्स। एम्स ने हाल ही में 1 अक्टूबर 2018 को पहला स्वच्छता मेला आयोजित किया था। और अब आपको पता होना चाहिए कि एम्स ने ये स्वच्छता मेला क्यों आयोजित किया था। तो एम्स के जो सफाई कर्मी हैं, जो इनके कर्मचारी हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये स्वच्छता मेला आयोजित किया गया था। और इस स्वच्छता मेला में जो एम्स के कर्मचारी हैं सफाई कर्मी उन्हें 2-2 हजार रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। और इस स्वच्छता मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो इस स्वच्छता मेला का उद्घाटन किया था JP नड्डा ने। JP नड्डा कौन है? तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें एम्स के बारे में नोट कर लीजिए। एम्स की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, या फिर कहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है भारत के अंदर। और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और एम्स के जो डायरेक्टर है उनका नाम है रणदीप गुलेरियन। अगला करंट अफेयर है आज का कि हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में कितने वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। और इन 2 वैज्ञानिकों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो पहले वैज्ञानिक है उनका नाम है जेम्स पी एलिसन, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक है। और जो दूसरे वैज्ञानिक है उनका नाम है तासुको होजो, जो कि जापान के वैज्ञानिक हैं। अब देखिए इन्हें नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किस लिए दिया गया है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कैंसर थेरेपी की खोज की है।
इसलिए इन्हें 2018 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैंसर थेरेपी की खोज किन्होंने की है, तो इन दो वैज्ञानिकों के नाम आप याद कर लीजिए, जेम्स पी एलिसन और तासुको होजो। अब यहाँ पर नाम आया है नोबेल पुरस्कार का, तो नोबेल प्राइज के बारे में भी आपको पता नहीं चाहिए। तो देखिए, नोबेल प्राइज इसकी जो स्थापना है वो 1901 में हुई थी, और ये जो प्राइज है वो हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है? 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी डेथ हुई थी, तो उन्हीं की याद में ये प्राइज दिया जाता है 10 दिसंबर को। और देखिए, जो नोबेल प्राइज है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और चिकित्सा और भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है हर साल। अब देखिए, यहाँ पर नाम आया है अल्फ्रेड नोबेल का, तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगा कि डायनामाइट की खोज किसने की थी। तो डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। कब की थी? तो 1867 में की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की एक सूची में हमारे भारत के कितनी कंपनियां शामिल हैं, वो आपको बताना है। तो फोर्ब्स ने हाल ही में जो सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की है, उसमें हमारे भारत की 12 कंपनियां शामिल हैं। और ये जो सूची बनाई गई थी फोर्ब्स के द्वारा, इसमें पूरे दुनिया की लगभग 250 कंपनियां शामिल थी, जिसमें से अमेरिका की 61 कंपनियां शामिल थी, और जापान की 32 कंपनियां शामिल थी, और चीन की 19 कंपनियां शामिल थी, और हमारे भारत की 12 कंपनियां शामिल थी। और देखिए, इस रैंकिंग में जो अमेरिका की कंपनी है वॉल्ट डिज्नी, वो पहले स्थान पर रही है, और जो हमारे भारत की है इन्फोसिस कंपनी, वो इस रैंकिंग में 31st रैंक पे रही है, और हमारे भारत की जो TCS कंपनी है यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो इस रैंकिंग में 35th नंबर पे रही है। और देखिए, इन 12 कंपनियों में से एक बैंकिंग सेक्टर की भी कंपनी शामिल है हमारे भारत की, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी शामिल है। अब यहाँ पर आपको फोर्ब्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी होगी। तो देखिए, ये फोर्ब्स क्या है? ये एक मैगजीन है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, US के अंदर न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो CEO है उनका नाम है मैचेल पेरिल्स, और जो दूसरे CEO है इसके उनका नाम है स्टेफ फोर्ब्स। दो CEO है इसके फोर्ब्स के। नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 17 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में हमारे भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले MOU की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और देखिए, एक MOU होता है और एक MOA होता है। MOA की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये कब साइन किया जाता है, जब हमारे भारत किसी दूसरे देश के साथ किसी भी विषय पर बात कर रहा होता है। तो वो जब बात शुरुआती तौर पर होती है तो MOU पर साइन होते हैं, और जब बात फाइनल हो जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन होते हैं, यानी कि MOA पर। अब देखिए, ये जो 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये किन किन क्षेत्रों में 17 समझौते किए गए हैं? तो ये 17 समझौते रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में किए गए हैं। और इस समझौता ज्ञापन पर हमारे भारत की तरफ से जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने साइन किए हैं, और जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शावकत मिर्जियोव, उन्होंने साइन किए हैं इस समझौता ज्ञापनों पर। और इन दो देशों के बीच में ये समझौता ज्ञापन 1 अक्टूबर को हुआ है। अब यहाँ पर नाम आ ही गया है उज्बेकिस्तान का, तो मैं आपको उज्बेकिस्तान के बारे में बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो मार्ग एरिया है यहाँ पर उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है टैशकेंट, उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेन सोम, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता ही लग गया शवकत मिर्जियोव, और उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है अब्दुल्ला एरिपोव। नेक्स्ट करंट अफेयर आज का कि किस राज्य सरकार ने निवाड़ी नामक एक नए जिले के निर्माण की घोषणा की है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने निवाड़ी नामक एक नए जिले के निर्माण की घोषणा की है। देखिए, इससे पहले, निवाड़ी से पहले मध्य प्रदेश में 51 जिले थे, पर निवाड़ी के निर्माण के बाद मध्य प्रदेश के अंदर 52 जिले हो जाएंगे। और जो निवाड़ी जिला बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, वो टीकमगढ़ जिले को काट कर बनाया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला है उसे काट कर अब बनाया जाएगा निवाड़ी जिला। और देखिए, निवाड़ी जिला के जो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे उनका नाम है अक्षय कुमार सिंह। अब यहाँ पर नाम आया है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं।
और ये जो करंट अफेयर है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो मार्क एरिया है यहाँ पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की जो प्रेजेंट में गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 230। नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, और 2 अक्टूबर को क्योंकि महात्मा गांधी जी की जयंती होती है तो उन्हीं की जन्मदिन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा जो महात्मा गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए साथ ही में आपको एक और करंट अफेयर याद रखना होगा कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है, और जब 2 अक्टूबर 2018 को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई है तो ये इनकी 114वीं जयंती थी, और लाल बहादुर शास्त्री जी ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और 1 अक्टूबर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विधजन दिवस मनाया जाता है। ये जो डेज और डेट आपको बताए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाने की घोषणा यूएन के द्वारा की गई थी। अब आप यूएन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें नोट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र, इसकी जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, और संयुक्त राष्ट्र के जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है अमीना जे मोहम्मद, और संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएस के अंदर न्यूयॉर्क में। अगला करंट अफेयर है आज का, एशियाई खेल 2018 में किस स्वर्ण पदक विजेता को आईओसी में ऑफिसर नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है हीमा दास। हाल ही में हीमा दास को आईओसी में ऑफिसर नियुक्त किया गया है, और आईओसी में इन्हें मानव संसाधन अधिकारी नियुक्त किया गया, यानी कि एचआर ऑफिसर नियुक्त किया गया है। हीमा दास के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए हीमा दास इन्होंने हाल ही में जो एशियाई गेम हुए थे जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता और प्लांगबिन में आयोजित किए गए थे, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल एक जीता था और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। और हाल ही में जब मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए गए हैं, तो उसमें हीमा दास को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आईओसी के बारे में पता चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है संजीव सिंह। अगला क्वेश्चन है आज का कि रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का जो महानिदेशक है वो अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है, और अरुण कुमार से पहले जो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक थे उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार की रिटायरमेंट के बाद अरुण कुमार रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। तो देखिए जो अरुण कुमार है वो 1985 में उत्तर प्रदेश कैंडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, और इसी के साथ साथ अरुण कुमार सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक भी हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें रेलवे सुरक्षा बल के बारे में पता नहीं चाहिए, तो देखिए आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रेलवे सुरक्षा बल के बारे में और इस करंट अफेयर के बारे में। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए होगा, तो आपका टेस्ट है कि INS के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, उनका नाम आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है, और साथ ही में आपको INS की फुल फॉर्म भी बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, थैंक यू।